हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑन रिकॉर्ड। आज हम टीवीएस रेडर 125 डिस्क वेरिएंट का राइड रिव्यू करने वाले हैं। कुछ ऐसी आपको इसके अंदर चाबी मिल जाती है और इसकी जो डिजिटल डिस्प्ले है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, वो मैं आपको ऑन करके दिखाना चाहूँगा। तो कुछ ये आपका जो डिस्प्ले है वो मिल जाएगा इसके अंदर। अब मैं इसको ऑन करके इसका एग्जॉस्ट नोट आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत ही साइलेंटली ये स्टार्ट हो रही है, कुछ ऐसी इसकी आवाज़ है। बाकी आपको उसकी अगर डिटेल रिव्यू देखना है तो मैंने कर रखा है टोटल रिव्यू इसका। आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो लगाते हैं पहला गियर। ओके, तो ये गियर में भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स मिल जाता है, आप देख सकते हो मीटर पे। फर्स्ट गियर यहाँ पे शो कर रही है और यहाँ पर किलोमीटर शो कर रहा है। बट इसमें एक दिक्कत है, अभी ये सिर्फ थ्रॉटल देने पे ही यहाँ पे किलोमीटर्स दिखाने लग जा रहे हैं, तो ये एक दिक्कत है जो कि शोरूम पे दिखानी चाहिए, ठीक है। बाकी क्योंकि आरपीएम दिखना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो ये बिना गाड़ी चले ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ठीक है। तो अब हम इसको चलाकर देखते हैं। फर्स्ट गियर लगाते हैं, इनिशियल पावर चेक करते हैं इसकी। बाकी 11.2 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करके देती है। और अभी हम दो लोग बैठे हुए हैं, आपको पता ही है, जैसे कि मैं एक पिलन बिठा कर ये टेस्ट करता हूँ, तो पावर तो मुझे बिल्कुल अभी ठीक है, नॉर्मल लग रही है 125 cc के बाइक के हिसाब से। बट एक चीज़ है कि TVS का बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, मतलब बहुत ज़्यादा ये रिफाइंड लग रहा है इंजन। अपाचे वगैरह की जैसे इंजन मैं बता रहा था 164 वेल वाली जो आती थी उस जैसी लग रही है, वैसे ये भी 3 वेल है। 2 वेल एक्सपेक्टेड था इस बाइक में, बट इसमें 3 वेल मिल रहा है। बाकी है, अच्छी बाइक है, तभी इसकी बहुत ज़्यादा बुकिंग मिल रही है। लेकिन 17 इंच का जो इसका अलॉय साइज़ है वो बढ़ाकर 18 इंच अगर कर रखा जाता तो अच्छा इसका जो व्हील बेस वगैरह मिलता, क्योंकि थोड़ी सी मेरे को हाइट में छोटी लग रही है अभी इस टाइम। बाकी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते 125 cc की बाइक से, 1 लाख क्रॉस कर देती है ऑलमोस्ट अगर आप इसको कैश में लेने जाते हैं तो, ठीक है। और स्टार्ट तो होती हुई पता ही नहीं लगती कि स्टार्ट हो रही है। अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन की तो सस्पेंशन भी इसके अच्छे हैं, सॉफ्ट है सस्पेंशन। थर्ड गियर लगा दिया मैंने और अभी 40। इसकी जो टॉप स्पीड है वो कंपनी वाले 100 बताते हैं, मुझे समझ मुझे लग नहीं रहा कि 100 जा पाएगी। 5 गियर इसके अंदर मिलते हैं और अभी हम इसको इको मोड में चला रहे हैं। पावर मोड में अगर मैं इसको शिफ्ट करके देखता हूँ कि ऐसा क्या डिफरेंस है इसके अंदर। बढ़ गई है, मतलब एक्स्ट्रा का किलोमीटर शायद ये भाग देगी। बट इसके जो रियर ब्रेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, मतलब ग्रिप इसकी नहीं बन पा रही, मेरे को रियर ब्रेक से थोड़ी शिकायत है। बाकी फ्रंट ब्रेक इसके बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टर्निंग रेडियस परफेक्ट है बाइक के हिसाब से, लेकिन रियर ब्रेक बिल्कुल बहुत ज़्यादा ढीले हैं, या तो इसी में कुछ इस दिक्कत होगी या पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। और रेंज वगैरह भी आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ब्रेक मैंने आपको बता दिया, सस्पेंशन मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इसके राइड कंफर्ट की बात करूं तो राइड कंफर्ट बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको झुक कर बैठना पड़ रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है या फिर आपकी एल्बोज में दर्द हो रहा है या शोल्डर में स्पेन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अगर आप अपने फादर वगैरह को दिशा दिलाना चाहते हैं तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन, ठीक है। बाकी जो हम यूजुअली करते हैं इसका एक बार 0 to 60 टेस्ट करते हैं, और इसमें जो है ना आपको DRL मिल जाते हैं और LED लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं इसके अंदर। बट अभी थोड़ी सी डे लाइट है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन एक बार इसका 0 to 60 और 0 to 40 टेस्ट करके देखते हैं कि कितने तक ये पहुँचती है। कि बाकी कंपनी तो 0 to 80 और 100 का क्लेम करती है, लेकिन एक बार हम अपना खुद से ये करके देखते हैं, ठीक है। 0 to 40 का टेस्ट करके देखेंगे कितने देर में पहुँचती है ये। तो 6,500 से मैं इस बाइक को उठाऊँगा ऑलमोस्ट। सो लेट्स स्टार्ट 1, और ये पावर मोड पर रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3। मतलब सेकंड गियर शिफ्ट करते ही लगे थे, पर इसकी शिफ्टिंग में थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि मतलब अच्छे से शिफ्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो उसकी गियर अटक जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। लेट्स एक बार और करके देखते हैं, अगर मैं गलत फील हो सकता हूँ। एक बार बाइक को मोड़ लेते हैं आगे से, उसके बाद आगे चल के करते हैं। ब्रेक्स में थोड़ा सा इशू है इसके, रियर ब्रेक्स में, ठीक है। एक बार और करते हैं, फर्स्ट गियर पे ये रहने वाली है बाइक। 0 to 40 का टेस्ट एक बार और करेंगे, फिर उसका एवरेज निकाल लेना आप, आपको समझ में आ जाएगा कितनी देर में पहुँचती है ये। सो पावर मोड पे है, पावर मोड पे ही करेंगे, ठीक है। 1 2
लग गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि अटक जाएगी अटक जाएगी। इसमें थोड़ी सी मतलब झटका मारती है गियर लगाते वक्त, एक बार 60 तक इसको लेके चलते हैं ठीक है, और फिर इसकी ब्रेकिंग करेंगे 50 के आसपास, दोनों ब्रेक लगा के देखेंगे कि कितनी स्टेबल है ये ठीक है। तो 1 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछला ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहा, बाकी इसको एक बार जूम कर देते हैं ताकि अब आपको इस बार अच्छे से दिख जाए। अरे लास्ट ट्राई होगा ठीक है, इस बार तो सब कुछ स्मूथ रहा था, एक बार और करके देख लेते हैं ठीक है। 1 2 110 सीसी की बाइक थी, वो तो ऐसा हो जाता था कि व्हीली मारने को हो जाती थी, और इस बार मैंने मतलब इस बाइक को पूरा 6,500 आरपीएम का उठाया, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पावर है ये व्हीली वगैरह मार देगी। मतलब पैशन प्रो वाले अपनी वीडियो देखी होगी, बहुत पहले बनाई थी मैंने, वहाँ एक बार देखना जाकर, जब पैशन प्रो नई नई आई थी टाइम हो गया उस वीडियो को, वो व्हीली मारने को हो जाती थी। तो इस बाइक में मेरे को इससे ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, और आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट मेरे को इसके जो इशूज़ लगे आपकी, अगर आप भी रेडर ऑन करते हो तो मुझे बताना कमेंट में, अगर आपको भी सेम लगता है तो। इसके ब्रेक में थोड़े से इश्यूज लगे, और जो मेरे को दिक्कत लगी एक गियर शिफ्टिंग में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत लग रही है, बाकी जो मेरे को इसकी USPs लग रही है वो उसकी लग रही है हेडलाइट और लुक्स, और कम्फर्ट भी अच्छा है इस बाइक का ठीक है, तो वो उसकी USPs मैं मान सकता हूँ। बाकी पावर मोड पर चलाने में मज़ा है इसको, इको मोड पर तो कुछ खास चलती नहीं है, दब के चलती है ये। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अगर बढ़िया लगी हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।